अभी वो याद है हमारा पड़ोसी पुन्नू? कौन? वो हल्ला की सस्ती कंपनी? हाँ वही, हाँ उसकी बीवी है ना, वो भाग गई, मुझे मोबाइल ट्रेस करने के लिए बोला है। आ गया पुन्नू। कुछ पता चला मेरी बीवी के बारे में? नहीं अभी तक तो नहीं। वैसे अंकल आंटी आपको छोड़कर क्यों गई होगी? उसे पता चल गया था कि मेरा अफेयर पड़ोस वाली के साथ है। Come on। तो आंटी को कैसे पता? मैंने उसे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, तो उसने कहा कि उसका पति कल रात तुम्हारी चड्डी पहन के आया था, बस इसी बात से हम दोनों का झगड़ा हुआ। आंटी तो आपसे भी फास। Come on। वैसे आपका पड़ोस वाली आंटी के साथ अफेयर कैसे हुआ? एक दिन जब मेरी बीवी घर पे नहीं थी तो सब्जी नहीं बना था, तो मैं उसके घर गया सब्जी लेने के लिए। मैंने पूछा क्या कर रही हो भाभी जी, तो उसने कहा बैठे बैठे कुर्सी तोड़ रहे हैं। लेकिन मेरे घर पलंग था, तो मैंने कहा चलो पलंग तोड़ते हैं, बस तब से अफेयर। तो ये अफेयर वाली बात सिर्फ आंटी को पता है? नहीं अब सबको पता है, घर वालों को, पड़ोसियों को। सुनते नहीं पड़ोसी आवाज टॉयलेट या मूतने के, लेकिन सबको भनक लग जाते हैं सिर टूटने के। अच्छा आप बताइए, आप लोगों की अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? लव मैरिज। हाँ, क्या खूबी थी आंटी में जो लव किया? वो बाजार में कुल्फी बहुत चुस्ती थी, बस वही पसंद आ गया। तो पहले आपने प्रपोज किया है आंटी ने? मैंने, जब वो कुल्फी चूस रही थी तो मैं सीधा जाकर बोल दिया क्या आई लव यू टोटली। तो आंटी ने क्या कहा? उसने कहा तू टोटला, तेरी माँ टोटली, तेरे कपड़ा खंडा टोटला। मतलब वो टोटली थी, टोटली थी, लेकिन मैंने उसे किसी तरह उसका टुतलाना पसंद है करके मना लिया। अच्छा तो आपका उसका चूसना कुल्फी चूसना और टुटलाना पसंद आ गया, तो अपने शादी कर ली है ना? नहीं, मुझे उसकी प्रॉपर्टी जायदाद चाहिए थी, मैं लाइफ में कुछ लंबा हाथ मारना चाहता था। हाँ तो हाथ बस मारते, लंबा तो अपने आप हो जाता ना। क्या मतलब? तुम तो वो है ना जो लड़कियों के चूतिया देख कर बता देते हो कि किससे सेट है कि नहीं, लेकिन खुद की बीवी का स्थिति नहीं देखवाए। अच्छा अंकल आपकी शादी को तो कई साल हो गए है ना? 15 साल से भी ज्यादा। अगर पहले किसी के साथ अफेयर होगा तो क्या तुम सुहाग रात ने चेक नहीं कर सकते थे? क्या चेक? सुहाग रात ने अगर खून खराबा ना हो तो समझ लेना युद्ध कोई और लड़ चुका है और मुल्क आजाद हो गया है। मेरी बीवी का मेरे अलावा किसी के साथ अफेयर नहीं था। अबे वो रात के चड्डी वाले बात याद नहीं है तुझे? छोटी सी बात समझ सके छोटू है। नहीं हमारे तो 14-14 बच्चे हैं। अच्छा अंकल आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, तो कैसे इन बच्चों के बीच में ये सब? रात को जब बच्चे जग जाते हैं तो मैं बोलता हूँ बेटा सो जा वरना भूत आ जाएगा। तुमको तो बस मारने का बहाना चाहिए, भले भूत के नाम पे बच्चों की गांड फट जाए। अरे मैं नहीं, मेरी बीबी की वजह से 14-14 बच्चे। वो मुझे रात को धोनी बनने के लिए कहती है। मतलब? कहती है स्लो खेलो, नॉट आउट रहो और बीच बीच में हेलीकॉप्टर शॉट मारो। लेकिन 3 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और तब से मेरा मीटर डाउन हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आंटी तो वन मंथ से प्रेग्नेंट थी ना? प्रेग्नेंट? हाँ आपको पता नहीं 2-3 दिन पहले मिठाई बांट रही थी। हे भगवान, अब तो गाजर पे भी भरोसा उड़ गया, या सच में पड़ोसी के साथ? नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ढूंढ कर आऊंगा उसे। उहर उहर के आ रहे हैं पुन्नू के जज्बात। चलो अब गाली तो यूज होगा। अबे वो पड़ोसी का औलाद।